हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं रिमूवल अप्लायंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर द नीट एमडीएस सो शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल अप्लायंस होता क्या है एज द टर्म सजेस्ट आर डिवाइज दैट कैन बी इंसर्टेड इन एंड रिमूवड फ्रॉम दी ओरल बाई द पेशेंट एट विल

नाउ जब इस अप्लायंस को देखेंगे तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट रिटेंटिव है कौन सा एक्टिव है तो समझते हैं जो आप ये वाले अप्लायंस देख रहे हैं दिस इज योर रिटेंटिव कॉम्पोनेंट वॉट रिटेंटिव कॉम्पोनेंट ओके एंड ये जो देख रहे हैं पिंक पिंक और यू कैन से रेड दिस इज योर एक्राइलिक प्लेट दिस इज योर बेस प्लेट Okay, this is base plate. Now, this portion, this is called bow. Okay, this wire component is your active component. Okay, this is your active component. Okay, and this in between the acrylic plate is your. Active component. This is also active component. This is expansion screw. Okay. So one is retentive component, one is base plate, and another is active component. So these are the part of removal appliances. Okay. Now, one by one we will learn what is retentive component. Okay. So they are the components that help in keeping the appliance in place. और रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिटेंटिवेंट होता है जो appliance को उसकी जगह पे रखेगा उसको निकलने नहीं देगा बाहर ओके okay? जब हम करेंगे 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 या फिर बात करेंगे, functional, uh, functionally करेंगे, तब वो उसको रिटेन करके रखेगा वहां से निकलने नहीं देगा तो ये होता है रिटेंटिव कॉम्पोन का काम सक्सेस ऑफ अप्लायंस इज डिपेंड अपॉन गुड रिटेंशन ऑफ द अप्लायंस कोई भी अप्लायंस का सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस जो होता है वो चलेगा उस किस पे डिपेंड करता है रिटेंशन पे अगर रिटेंशन रहेगा ही नहीं सपोज करो अगर पेशेंट च्यू कर रहा है या खा रहा है या फिर बात कर रहा है अगर उसका एक प्लेट जो अप्लायंस लगाया है वो अगर नीचे गिर जाए तो कोई मतलब नहीं रह जाता उस अप्लायंस को पहनने का तो इट मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिटेंटिव कॉम्पोनेंट रोल प्ले करता है दूसरी बात करते हैं

तो उसको मैंने बताया था आपको कि वो उसको क्लास्प बोलते हैं तो ये ये जो है, ओके? Okay? के बारे में तो पढ़ लिया। अब ये काम कैसे करता है क्लास्प एक्ट बाय एंगेजिंग सर्टेन कंस्ट्रक्टेड एरियाज ऑफ द टीथ आर कॉल्ड अंडरकट्स मतलब अंडरकट्स अगर मैं बोलूं सपोज करो ये टूथ है ओके Undercut, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो अंडरकट वो स्ट्रक्चर होता है जो appliance को निकलने ना दे रोक के रखे। Suppose करो अगर मैंने अपना अप्लायंस यहां लगाया ठीक है और मेरे को इसको ऊपर खींचना है तो मैं इस वाले कंपोनेंट को ऊपर नहीं खींच पाऊंगा बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है टूथ का वो रोकेगा इसको ऊपर आने नहीं देगा इसको ये वाला यही रोक लेगा इसको द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो है उसके नीचे अगर मैं यहाँ पे अप्लायंस लगाता हूं यहां पे इस एरिया में तो इसको ऊपर आने नहीं देगा दैट इज योर अंडरकट देर आर टू टाइप्स ऑफ अंडरकट दैट आर फाउंड इन नेचुरल टीथ नेचुरल टीथ में पहले से ही रहता है अंडरकट कहा रहता है बक्कल एंड लिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स और मीजियल और डिजिटल प्रोक्सिमल अंडरकट अब देखते हैं गैस ये डायग्राम मैंने भालाजी टेक्स्ट बुक से लिया है सो दैट आप अगर बाद में पढ़ेंगे तो आपको इजली समझ में आएगा ओके okay? तो अब यहां देखो ये वाला जो एरो शो कर रहा है फर्स्ट फिगर में दिस इज योर सर्वाइकल सर्वाइकल अंडरकट ओके और ये जो बी में शो कर रहा है दैट इज योर मीजियल अंडरकट ओके दिस इज योर मीजियल दिस इज योर डिस्टल तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये जो एरिया है दैट इज योर अंडरकट ओके यहां पे वो अप्लायंस अगर लगाते हैं तो वो ऊपर आने नहीं देगा इसको समझ में आया अब तो ये हमारे अंडरकट्स होते हैं नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल क्लास इस क्लास की जरूरत मतलब कैसा क्लास हमें चाहिए वो इंपॉर्टेंट है क्या उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट है इट शुड ऑफर एडिक्वेट रिटेंशन अब क्लास यूज कर रहे हैं रिटेंशन के लिए रिटेंशन ही नहीं प्रोवाइड करेगा तो क्या फायदा होगा तो रिटेंशन के लिए हम लोग रखते हैं

मतलब अगर वो रिटेंशन रखेगा तो वो आइडियल क्लास होगा दे शुड नॉट would अप्लाई अबाउट अनडिजायरेबल टूथ मूवमेंट ऑफ the anchorage teeth. अब रिटेंशन के लिए है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फोर्स लगा रहा है टीथ पे और टीथ को ही मूव कर दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ओनली वो रिटेंशन मतलब वो उसको पकड़ के रखेगा टूथ में फोर्स नहीं लगाएगा इट शुड फैब्रिकेट आसानी से बन जाना चाहिए अगर अगर मान लो अगर किसी ने गिरा दिया टूट गया तो दोबारा उसको बनाने के लिए very easy to fabricate होना चाहिए नहीं तो लगेगा बनाने के लिए। कैसे अब यहां पे जिंजावा होगा मैं इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूं मान लो ये एक्राइलिक प्ले यहां पे मेरा जिंजायवा है इस एरिया में मेरा जिंजायवा है ओके okay? तो ये अगर नीचे जाएगा तो उसको इम्पिंच कर सकता है सॉफ्ट टिश्यू को तो इम्पिंच ना करे इसी वजह से इसको ऐसा बनाना है कि इम्पिंच ना करे इट शुड नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल अक्लूजन अब इसको जब लेते हैं ऊपर से अक्लूजन के ऊपर से ले रहे हैं दिस इज अक्लूजन उसके ऊपर से ले रहे हैं तो जब इसके ऊपर से ले रहे हैं तो को नहीं करना चाहिए, अब अब बात करते हैं हैं? की. के के बारे में पढ़ लिया. अब कितने के होते हैं? One is circumferential अब circumferential का दूसरा नाम है थ्री क्वार्टर क्लास और सी क्लास एमसीक्यू में आता है पूछा जाता है काफी बार ओके सिंपल क्लास्प दैट आर डिजाइन टू एंगेज दक्को सर्वाइकल अंडरकट

तो ये कहां से एक्सटेंड हुआ है पहले पॉइंट में बोला है हमें कि सिंपल क्लास है जो कि एंगेज कर रहा है सर्वाइकल अंडरकट तो गाइज ये बकल पोर्शन हो गया तो बक्को सर्वाइकल अंडरकट ये टूथ का प्रोमिनेंट पार्ट है तो उसके नीचे ही कहीं अंडरकट होगा तो बक्को सर्वाइकल पोर्शन से ये जा रहा है ओके नाउ ये कवर करके एक प्लेट पे जा रहा है अब ये ऊपर जा रहा है अक्लूजल सर्फेस से और ये इस इमेज में नहीं दिख रहा है पैलेटल साइड तो वो पैलेटल साइड जाएगा और प्लेट में एम्बेड हो जाएगा ओके okay? नाउ अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की क्यों बनाया गया इसे सिंपलिसिटी ऑफ डिजाइन एंड फैब्रिकेट बहुत आसान है इसको बनाना डिसएडवांटेज भी होगा ट इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लास फैब्रिकेशन अब इसमें क्या होगा कि पार्शली इरप्टेड टीथ में हम यूज नहीं कर पाएंगे okay? वहां पे undercuts नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे सॉरी जैक्सन अप्लायंस ओके जैक्सन क्लास्प क्या है जैक्सन क्लास्प का पूरा नाम है फुल क्लास और यू क्लास इसको यू क्लास भी बोलते हैं बिकॉज इसका शेप यू होता है

एडम्स क्लास्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही इस एडम्स क्लास का नाम रखा गया है इसको लिवर पुल क्लास भी बोलते हैं यूनिवर्सल क्लास भी बोलते हैं और मॉडिफाइड एरो क्लास भी बोलते है, MCQ, हैं एमसीक्यू फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ओके नाउ

एरो हेड है एक मिजिल में, में जाता है एक डिजिटल में जाता है ब्रिज दैट इज कनेक्टेड विद एरो हेड इज 45 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टीथ अब ये जो ब्रिज है ये जो ब्रिज बना है ये टूथ से 45 डिग्री एंगल पे है मतलब अगर मान लीजिए ये टूथ का स्ट्रक्चर है ओके रफली डायग्राम और मेरा एडम्स और मेरा ये ब्रिज इधर को आ रहा है सपोज करो ऐसे लगाए तो लॉन्ग ऑफ़ द टूथ ये है, और इसका जो हेड ब्रिज का ब्रिज का जो है ये है तो ये 45 डिग्री पे होगा ओके 45 डिग्री पे इसको बनाया जाता है नाउ इसके एडवांटेज देखते हैं इट इज रिजिड एंड ऑफर एक्सलेंट रिटेंशन ये बहुत अच्छा रिटेंशन देता है इसको इसलिए यूनिवर्सल क्लास भी बोला जाता है एंड फैब्रिकेटेड ऑन डेसीडियस एज वेल एज परमानेंट

इसमें क्या कर सकते हैं इलास्टिक को एंगेज कर सकते हैं अगर मैंने सपोज कर लो सपोज करो इलास्टिक uh, 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 लिया मैंने और इसमें एंगेज करके मैं एनकरेज का, का काम कर सकता हूँ यहाँ पे तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया तो दिस इज योर एडम्स क्लास विद जे हुक जे की तरह है इसलिए नाम इसका पड़ा है दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं तो उसमें अगर मैं ऐसा समझाऊं ऐसे लिया है देन लिया मतलब इसका जो है

पहले इस डायग्राम में ट्यूब लगा है दिस इज कॉल्ड ट्यूब बकल ट्यूब होता है तो ये कैसे रहता है मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे सपोज करो ये ऐसे बकल ट्यूब है एक बकल ट्यूब लगा है इसमें एडम्स क्लास भी है बस इसका मॉडिफिकेशन क्या है कि इसमें बकल ट्यूब लगा दिया तो ये बकल ट्यूब क्या करेगा इस बकल ट्यूब से वायर को घुसाएंगे क्यों क्योंकि एडिशनल एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज लेने के लिए हमारे बो होते हैं आपको बताता हूं एक्सप्लेन करता हूं बो है, होते हैं ओके? तो ये मान लो पे ट्यूब है, है तो ये बोज को उसमें फसाने के लिए उसको लगाएंगे इस बो के अंदर इसलिए बकल ट्यूब यहां से ताकि एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज मिल सके अब बात करते हैं ये वाला बट तो ये, ये एंटीरियर्स में यूज किया इंसाइजर्स पे ओके अब दूसरा बात करते हैं तो इसमें बनाया बनाया ऐसे का ताकि इलास्टिक्स को यूज कर सके अब दूसरा टाइप का क्लास पाता है सदन क्लास यूज वेन द रिटेंशन इज रिक्वायर्ड इन एंटीरियर रीजन देखो एंटीरियर रीजन में लगाया दोनों इंसाइजर्स पे लगाया है ऐसे

On one end. यहां पे देख रहे हैं बॉल दिस इज अ बॉल और यहां से जैसे था वैसे यहां भी यूज कर रहे हैं। अब आता है दिस क्लास इज अर्ज क्लास और एरोहेड क्लास कैन बी सेट टू बी प्रोसीजर ऑफ द आर्म एडम्स मतलब इसको जो फैब्रिकेट किया है ओके okay?

ये फुल क्लास की तरह ही है सपोज ये लगाया मैंने ऐसे तो ये फुल क्लास की तरह ही है बट यहाँ पे क्या है एडिशनल ये ऐसे और यहाँ पे सपोज करो ये मिजियल एरिया है और ये डिस्टल एरिया है तो एडिशनल मैंने यहाँ पे अ, अंडरकट के लिए लगाया है ताकि बेटर रिटेंशन मिल सके इसी वजह से इस, इसका नाम क्रोजर्ट क्लास पड़ा है तो गाइज आज के लिए इतना ही नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव कॉम्पोनेंट्स और बाकी के कॉम्पोनेंट्स ओके गईज फॉर लेटेस्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ओके सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट वीडियो ऑफ माइंड ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए बाय